देखिए आज हमारे बीच आए हैं नवादा जिला से, मुर्गिया चक से, वारसलीगंज क्षेत्र है और यहाँ से चल के आए हैं हमारे बाबा भतुदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान जमुई जिला। इन्हें परेशानी क्या है, इन्हीं की मुझेवानी सुनते हैं। आप अपना नाम बताइए। कविंदर यादव जी। कविंदर यादव। कविंदर यादव, क्या तकलीफ है आपको? भी यही है, हमारा गोर से लचारी है कि पैर से लचार है। हाँ। लगता है गला भी भसा रहता है, ऐसे आवाज आपका निकलता है। हाँ, ऐसे आवाज रहता है कि सब दिन से ऐसा ही है। हाँ। हाँ? अच्छा, तो ये इनका तकलीफ घुटना से है, बायां घुटना से। और कितना दिन से तकलीफ है? 2 साल से कुछ ऊपर जा रहा। 2 साल से ऊपर है। अच्छा, कैसे हुआ था बता सकते हैं? ये हुआ ये है कि हमारा जरा टहना फूल गया है। अच्छा। और 2-4-5 दिन के बाद गया, वो जी कहियो कि हमरे जाति देखा है जेरी मने हम वही नस है जो पकड़ करके अब खींच लिया। हाँ। से हमारा गड़बड़ा गया। ओ, कोई बेचारे का जो है पीछे वाला भाग नस खींच दिए, तहिया से और बैठ नहीं सकते हैं, पहले फूला था इनको। हाँ। अच्छा, थोड़ा से बैठ चल के दिखाइए एक बार, कैसे चलते हैं आप? देखिए कैसा जिंदगी गुजर रहा है इनका। लगभग जो इनका 60 वर्ष का आयु होगा, 60 साल ही है। कितना उम्र है आपका? उम्र कितना है? उम्र हमारा 60 से ऊपर हो गया। 60 से ऊपर है और ये तकलीफ है। बैठ सकते हैं? चुको मुँह को बैठिए तो। नहीं बैठेगा। थोड़ा सा एक बार बैठ के बताइए कहाँ तक आप बैठ सकते हैं। नहीं नहीं बैठल जाएगा। अच्छा, जैसे भी हो वैसे कर से देखिए। नहीं बैठ सकते हैं तो पकड़ के भी बैठ सकते हैं। सोच लीजिए इनका दिशा मैदान करने में कितना तकलीफ। नहीं ये है मुराजा है। अब ये मूर्ता नहीं है। छिड़िया देंगे ना तो बैठ जाएंगे। और सीधा करेगा, ये मूर्ता ही नहीं है। मूर्ता ही नहीं ना। नहीं। हाँ, तकलीफ ये है। तो आइए हम इनको ठीक करते हैं आज। 2 साल का तकलीफ को आज कैसे दूर करते हैं आइए देखते हैं। देखिए क्या हालत है इनका। ऐसे मोड़िए, इससे अधिक नहीं मुड़ सकता है। कितना तकलीफ इनको देता है। जिस मुड़ेंगे तो चीला उठेंगे। कहीं मोरेंगे नहीं करता तुम। ये देखो ये मोड़ दे। ये देखिए मुड़ जाता है, ये मुड़ जाता है, लेकिन ये इससे अधिक नहीं मुड़ता है। तो ये काफी तकलीफ है और 2 साल का दर्द है। तो एक दिन में कैसे ठीक होते हैं से देखिए। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। इस तरह से ये नस जो है इनकी एकदम तनी हुई है। अच्छा,
थोड़ा से लूज कीजिए। पूरा ये टाच किए हुए हैं। इससे अधिक नहीं मुड़ता है, मुड़ता है तो देखिए पूरा एकदम तना हुआ है ना। थोड़ा से लूज कीजिए। ये देखिए पूरा होता है, ये आसानी से होता है लेकिन ये नहीं मुड़ सकता है। कपने लगता है, कपने लगता है। गर्लूज देते हैं सर। कैसे होते हैं? बाकी दूर से आए हैं ना। दो साल से छोट, इधर से पकड़िए, इधर से आके थोड़ा सा पेटकान हो जाइए तो पेट पट हो जाइए तो गड्ढा इसमें मुड़ी के ले रहिए सीधा, यहाँ एकदम हुमच के पकड़ देना है, इनको भागल नहीं देना है, ठीक है? ऐसे कीजिए। इला करो मैया बचो खो। थोड़ा ऐसे मुलायम रखिए और आप लाइए तो धीरे धीरे लाइए। कहाँ तक आता है देखिए तो भाग तो जाते हैं। सोच सकते हैं क्या हालत होता है। देखिए मानो
ये अब बैठेंगे पुनः। इसके पहले तो ये बेचारे खड़ा होके नहीं चल सकते थे, अब ये बैठ रहे हैं, तो बैठिए। तो पहले देखिए कितना तकलीफ था, इनका पैर सीधा नहीं हो पाता था, अब देखिए बैठ जाते हैं। बढ़िया से बैठिए, हाँ बैठिए। देखिए अब इनका पैर फैलाना नहीं पड़ता है, चुपो मुको बैठ गए हैं, तो काफ़ी सुधार है। और 2 साल से इन्हें तकलीफ नहीं था, ये तकलीफ था। अब खड़ा हो जाइए, अब खड़ा हो जाइए। तो ये देखिए अब खड़ा हो गए, अभी बैठ नहीं पाते थे। और ये आई जा जैसे देखिए देखिए बैठते थे लंबा करके, पहले पैर लंबा करके बैठते थे, अब सीधा करके बैठ रहे हैं ना। तकलीफ कितना दिन से था? 2 साल से तकलीफ था, और अभी आधे घंटा मैंने काम किया इनमें, अब ये बैठ लेते हैं। बाकी जो दर्द है अब ये लेप लगाएंगे, 4-5 दिन रहेगा, उसके बाद खोलेंगे, तब ठीक हो जाएंगे। आइए अब लेप लगाते हैं। देखिए मैंने ये जड़ी बूटी की लेप बनाया है, और इनके ऊपर लेप लगेगा, तो अब लेप लगेगा। और लेप जो है इसे सरसों तेल में कड़ुआ तेल में बनाए हैं, और लोग पानी में बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सरसों तेल में ही बनता है। ये तेल में लेप रहेगा, पानी में रहने के बाद 24 घंटा से अधिक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर सरसों तेल में मिला के लगाते हैं बूटी को, सब जो है सुखाना पड़ता है उसकी नमी को, उसके बाद सरसों तेल में, हाँ इस पर तेल लगाते रहना है, हाँ हाँ पट्टिए के ऊपर लगा देना है, थोड़ा सा ऐसे कीजिए। अब ये लेप लग गया है, उसके बाद बैंडेज बांध दिए इसके ऊपर। अब सरसों तेल मिला के रहते हैं ना, सुबह शाम सरसों तेल डालते रहना है, और 4 दिन तक डालते रहेंगे, पानी नहीं जाना है इस पर। हाँ जो दर्द लेप लगाए तो दर्द कमा ना, हल्का दर्द कमा है ना। तो देखिए अभी मैंने इनको लेप लगाया, ज़्यादा देरी नहीं हुआ, 5 से 10 मिनट हुआ है, और उतने में दर्द कम गया है। तो कितना पावरफुल बूटी है ये आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो काफ़ी ये करिश्माएँ बूटी है, और इस माध्यम से हम आपको सेवा किए देशवासियों को। और देख लिए व्यक्ति बोल नहीं सकते थे, 2 साल से तकलीफ में था, और काफ़ी मुड़ नहीं सकता था, क्या गुजरता होगा इनकी ज़िंदगी पर, सोच सकते हैं। तो हमारे यहाँ अभी मैंने इनको पुनः बैठा के दिखा दिया, और बैठा के लेप लगाए तो दर्द भी कम गया। तो बहुत पावरफुल बूटी है, आयुर्वेद में बहुत चमत्कारी चमत्कारी औषधियाँ हैं। आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते, इसका मतलब आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद इतना है ना कि मेरी अगर पूरी ज़िंदगी भी लग जाए तो पूरा हम नहीं कर पाएंगे। तो आयुर्वेद की जय हो, बाबा भक्तदास की जय हो। बाबा भक्तदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान के माध्यम से देशवासियों को सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, तो इसके लिए आप लोग देखें, खुशी हुए, लाभ ले जिंदगी में। इसी चरणों के साथ धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर हम दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में।